में जबरदस्त इत्याश पैदा हुआ और पहाड़ों का रंग तब्दील होना शुरू हो गया। 11 मई और 13 मई 1998 इंडिया ने न्यू क्लियर टेस्ट किए। इंडिया के उस वक्त के वजीर आजम अटल बिहार वाजपेयी ने इस दौरान कई बड़के मारे कि अब इंडिया पाकिस्तान की कंट्रोल वाले कश्मीर को भी पाकिस्तान से छीन लेगा और ये कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन को इंडिया के हवाले कर दे। जब इंडिया ने धमाके किए तो उस वक्त के वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ उस वक्त कजाकिस्तान के दौरे पर थे। उन्होंने फौरन अपना दौरा मुख्तसर किया और आते ही एक मीटिंग की जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल जहांगीर करामत, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, इश्फाक अहमद, मुनीर अहमद खान और कैबिनेट के मेंबरान शामिल थे और इस मीटिंग में ये फैसला होना था कि इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के जवाब में पाकिस्तान को भी टेस्ट करना चाहिए या नहीं। उस वक्त के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मुशाहिद हुसैन वो पहले शख्स थे जिन्होंने धमाकों की मुखालफत की। उनके ख्याल में पाकिस्तान को धमाके करके पाबंदियाँ झेलने की बजाय धमाके न करके मुआशी फवायद हासिल करने चाहिए, जबकि बेनजीर भुट्टो ने धमाके करने की जरूरत पर जोर दिया। डॉक्टर कदीर खान एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वजीर आजम तजब्जब का शिकार थे और डर रहे थे, लेकिन मैंने उनको मशवरा दिया कि हम मुसलमानों ने हिंदुओं पर 1000 साल तक हुकूमत की है और अगर अब भी हम धमाके नहीं करते तो खुदा न खास्ता हम हिंदुओं की गुलामी में चले जाएंगे। दूसरी जानिब आवाम में इंडिया के धमाकों के बाद शदीद गम और गुस्सा था और वो हुकूमत से जवाबन धमाकों का मुतालबा कर रहे थे। उधर अमेरिका ने पाकिस्तान के इरादे को बांपते हुए फौरन अपने हाई लेवल सेवल और मिलिट्री नुमाइंदों को पाकिस्तान भेजा, जिनकी सरबराई स्ट्रोग टालबोट और जनरल एंथनी जनी कर रहे थे, जिन्होंने पाकिस्तान को धमाके करने से बाज रखने के लिए जोर दिया और बदले में इमदाद की ऑफर की। एक तरफ अपनी आवाम थी तो दूसरी तरफ आलमी प्रेशर और धमाकों की सूरत में संगीन मुआशी पाबंदियां और फिर नवाज शरीफ ने जुरत मंदाना फैसला करते हुए धमाकों का हुक्म दे दिया। धमाकों की ज्यादातर तैयारी तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बकौल 1984 में ही मुकम्मल हो गई थी। उस वक्त अब्दुल कदीर खान ने जनरल जियाउल हक को बताया था कि अगर वो हुक्म दें तो एक हफ्ते में धमाके हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त आलमी पाबंदियों के डर से धमाके नहीं किए गए। अगरचा पाकिस्तान एटम बम बना चुका था, लेकिन अब तो दुश्मन ने ललकार दिया था और मामला मुल्क और कौम की बका और दिफा का था। धमाकों के लिए चाघी की दूर दराज वैरान और सूखी पहाड़ियों को चुना गया जो कि धमाकों के लिए हर लिहाज से मौजूद थी। 28 मई 1998 को दोपहर 3:15 पर चाघी के पहाड़ों पर जमी मिट्टी धूल बनकर उठना शुरू हुई और बादल की तरह छा गई और पाकिस्तान इलानिया एटमी मुल्क बन चुका था। इंडिया के 3 धमाकों के मुकाबले में 5 धमाके किए गए। ये धमाके पहाड़ी के अंदर गहरी सुरंगों में किए गए और इसलिए मुकम्मल तौर पर कामयाब रहे और ताबकारी नहीं फैली। यूं पाकिस्तान के असली दुश्मन का मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया और इसी मुनासिबत से हम इस दिन को योम तकबीर के नाम से मनाते हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने धमाकों के बाद पीटीवी पर पाकिस्तानी आवाम से खिताब किया और मुबारकबाद। धमाके के बाद आवाम गलियों में निकल आए और कई रोज तक जश्न का समा रहा। उधर एटमी धमाकों में हिस्सा लेने वाले साइंसदानों और टीम को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और प्रोग्राम्स में इंटरव्यू और न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स पर लेक्चर्स के लिए मदऊ किया गया। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों ने हिस्सा लेने वाले साइंसदानों को इजाजी डिग्रियाँ भी दी। सऊदी अरब, तुर्की और ईरान ने धमाकों पर पाकिस्तान को न सिर्फ मुबारकबाद दी बल्कि इन मुल्कों के शहरियों ने जश्न भी मनाया। जबकि दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, जापान, इराक और दूसरी बहुत सारी तंजीमों ने पाकिस्तान के धमाकों की सख्त मजम्मत की। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, कनाडा और IMF की जानिब से पाकिस्तान पर कड़ी मुआशी पाबंदियां ऐड कर दी गई और ये पाबंदियां 2001 तक बरकरार रही, हत्ता कि पाकिस्तान अमेरिका का कॉल्ड वार इन टेरर में फ्रंट लाइन इत्तेहादी बन गया, जिसके बाद पाबंदियां हमेशा के लिए उठा दी गई।